यार आदि पुरुष मूवी का टीजर आ गया है और उसे देख के कसम से एक बार तो मूर्छा आ गई थी। मतलब क्या बना दिया ये टीजर, हद है यार। मतलब पब्लिक इतनी उम्मीद लगा के बैठी थी कि कुछ भयंकर लॉन्च होगा भाई साहब, कुछ भयंकर देखने को मिलेगा, और तुमने 500 करोड़ की एनिमेटेड मूवी बना दी। मतलब यार मुझे तो ऐसा लग रहा है इस मूवी को बनाने में ना बहुत तगड़ा घोटाला कर दिया है ओमरोज साहब ने। टीजर में एक दो सीन छोड़ के पूरा टीजर एनिमेटेड लग रहा है। मतलब कैरेक्टर्स की बॉडी, चाल ढाल, जो भी इन्होंने सुर असुर दिखा रखे हैं वो सब एनिमेटेड लग रहे हैं प्योर। भाई बिल्कुल मजा नहीं आया, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। हनुमान जी दिखाए हैं, उनके ऊपर एक सीन दिखा रखा है प्रभास जा रहे हैं, वो प्योर एनिमेटेड है। एक सीन में सैफ अली खान के पक्षी के ऊपर से आ रहे, भाई वो सीन भी बिल्कुल बकवास है। और भाई सैफ अली खान की लुक तो बिल्कुल मजाकिया लग रही है, बाल छोटे हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है। पता नहीं उन्हें क्यों नहीं बोला गया कि तुम भी अपने बाल बढ़ा लो। वो कौन सा इतने बिजी एक्टर हैं यार, उन्हें कौन सा इतनी मूवी मिल रही है, और अगर मिल भी रही है तो भी यार उन्हें रावण का रोल दिया है तो रावण वाली एक फील तो आनी चाहिए उन्हें। मतलब दिखाने के लिए कि वो रावण है दो बार चिल्लाते हुए दिखाया है। तो मैं यार सही बताऊं तो मुझे तो टीजर बिल्कुल बकवास लगा। अगर ये मूवी ऐसे ही इन्होंने रिलीज कर दी तो भाई ये फ्लॉप हो जाएगी, मजाक बन जाएगा इतने बड़े प्रोजेक्ट का। तो इस मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें 6 महीने ले लेने चाहिए, चाहे थोड़ा पोस्टपोन कर दो मूवी को, लेकिन बढ़िया से इसके VFX पे, इसके एनिमेशन पे काम करो। इतना एनिमेटेड मत बनाओ, थोड़ा सा रियलिज्म रखेंगे तो ये मूवी देखने में मजा आएगा। खैर यार तुम्हारा इस टीजर के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को यार लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।